हेलो डियर पेरेंट्स, काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया और आपको चाहिए कि एक ऐसे कॉलेज के बारे में पता लगे जो इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है और जहां बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए, पढ़ाई भी करे, पैसा लगे तो आपका बच्चा सिक्योर रहे उसका फ्यूचर। तो आज ऐसे एक कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ जिसकी NIA रेफ रैंक दुर्भाग्य से बहुत लो चली गई है, लेकिन एक लेजेंडरी कॉलेज है और सबसे पुराने कॉलेज में आता है इंडिया के। और आज इसके बारे में आपको मैं कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, कैंपस, सारी डिटेल आपको जितनी भी हमारी टीम ने जुटाई है वो सारी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक। बच्चों ये 1921 में बना था और ये लाहौर में था इसका कैंपस। 1921 में इसे मुगलपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। 1953 में ये इंडिया में, इसको चंडीगढ़ सेक्टर 12 में आया और फिर 2003 में इसे डीम यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई। इसके बाद अब इसको चंडीगढ़ की जो यूनाइटेड टेरिटरी गवर्नमेंट है वो इसको मेंटेन करती है या इसे मैनेज करती है, ठीक है? इसका 150 एकड़ का कैंपस है बच्चों और बहुत जबरदस्त कॉलेज है ये। इसके कुछ फैक्ट्स बताएं आपको, जो मैंने आपको बताया कि भाई लगभग 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं इस कॉलेज के, तो दम है। और इसके एलुमिनी आपको मैं बताऊंगा, जैसे कल्पना चावला इसकी एलुमिनी है। तो ये कॉलेज अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो देखें, स्टूडेंट टीचर रेशियो तो 19.76, ये थोड़ा सा बुरा है, लेकिन इसके कुछ कारण बताता हूँ मैं आपको। जैसे कुछ नई यूनिवर्सिटी हैं जिनकी NIRF रैंक बहुत हाई है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को हायर करते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और बहुत सारा स्टाफ रख सकते हैं वो, लेकिन पे स्केल शायद उतना ना देते हो। यहाँ इनका अगर आप इनका डाटा देखेंगे तो उस डाटा में मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने टेम्प्रेरी फैकल्टी कम है यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी हैं परमानेंट प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या टीचर्स हैं, तो इसलिए शायद ये रेशियो थोड़ा खराब है। अदरवाइज अगर यही आप रेशियो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर देखो तो बहुत सही कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें NIRF रैंक की जरूरत है। ये कॉलेज थोड़ा NIRF रैंक पर ध्यान नहीं दे रहा है शायद। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम एंड सेमिनार हॉल 76, ये कंप्यूटर, ये स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो, बच्चों ये सारा हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है पैक इंजीनियरिंग कॉलेज की, ठीक है? एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द अदर स्टेट एंड कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, देखो ये परसेंटेज भी बहुत कम है। NIRF रैंक में ना ये बहुत मायने रखती है कि बाहर से कितने डाइवर्स कल्चर के बच्चे कितने आ रहे हैं, तो वहाँ ये लैक करता है, शायद इसलिए भी NIRF रैंक इसकी वीक है, ठीक है? नंबर ऑफ क्लासरूम एंड सेमिनार्स और एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफ ऑफ आउट गोइंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर 43%, बच्चों बहुत बड़ा अच्छा नंबर होता है ये। और एल्यूमनी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स 5 से 100 लाख, मतलब 100 लाख, मतलब जो एल्यूमनी है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने कॉलेज को। अच्छा, इसके बाद ये सारी फैसिलिटी बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक्चर हॉल्स कितने हैं, ट्यूटोरियल रूम, ड्राइंग हॉल्स, लैब्स कितनी है, 80 लैब्स हैं, बहुत बढ़िया नंबर है ये। और बच्चों ये सारे फैसिलिटीज हैं जो आप देख रहे हो, सारी पढ़नी मुश्किल हो जाएगी। इंडोर देखो, स्पोर्ट्स के लिए भी इतने सारे आपके लिए खेलने कूदने की चीज़ें हैं। तो चंडीगढ़ है, पंजाब है, तो वैसे भी वहाँ खेल कूद बहुत है, तो वो तो वैसे भी माहौल अच्छा है वहाँ। NIRF रैंक की बात करें 70, तो बस इसका कारण मैं आपको जो बता रहा हूँ, दो तीन कारण हो चुके हैं। एक तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत पुराना कॉलेज है, आजकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें देख के भी कुछ पॉइंट मिलते हैं। दूसरा जो डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बाहर के बच्चे, बहुत बाहर के स्टेट्स के बच्चे नहीं आते। तीसरा जो आपको बताया था कि स्टूडेंट टीचर रेशियो थोड़ा खराब है, इसलिए इसके NIRF रैंक 2021 है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर पंजाब में और हरियाणा में सबसे बेस्ट कॉलेज कोई ढूंढता है और एडमिशन के लिए भागता है तो दिल्ली तक की बात करूँ मैं। अगर दिल्ली में जाते हैं तो भाई आपके पास DTU हो जाते हैं, IIT को छोड़ के DTU, ये सब कॉलेज हो जाते हैं, लेकिन इस एरिया में सबसे बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में आता है। तो जिसको मौका मिले छोड़ना मत इसको, ठीक है? इसकी रैंक वैंक को कोई मत देखना, ये वीडियो स्पेशल इसी बात पर है कि रैंक को देख के कहीं इस कॉलेज को कम मत आंक लेना, ठीक है? अब देखो इसमें कितने कोर्स हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं 8, अंडर ग्रेजुएट बीटेक प्रोग्रामिंग कोर्स हैं, और MTech में 14 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है, बहुत सारे सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में, तो ये सारे, और डिपार्टमेंट 9 एकेडमिक डिपार्टमेंट, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और UG PG में एडमिशन के लिए, जैसे मैंने UG के लिए बताया JEE मेन और PG के लिए गेट, ठीक है? अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हम बात करेंगे अपने की अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, ठीक है? तो भाई हमारा जो चैनल है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी सारी बातें आपको बताता है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है JEE मेन, ठीक है, और PCM, जैसे आपको पता है कि भाई फिजिक्स मैथ्स तो होना चाहिए, और कंपलसरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इफेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट,
जैसे अगर आपको बायोटेक लेना है ना, तो या तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए चल सकता है बायोटेक, है ना। डोमेसाइल, अब यहाँ दो कोटा होते हैं बच्चों, होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट। होम स्टेट के लिए आपको कंडीशन है कि आपको पंजाब की टेरिटरी या चंडीगढ़ टेरिटरी से ही स्कूल किया हुआ हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको होम स्टेट का कोटा मिलेगा, ठीक है। 50% होम स्टेट है और 50% आउटसाइड स्टेट, ध्यान रखें। और ये जो कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी एक्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से लिंक है। और इसकी अगर कॉलेज की बात करें कितनी सीट्स हैं, तो बच्चों ये सारी सीट्स हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ही कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही की थी। और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इनके सीट मैट्रिक्स बता दूं, थोड़ा सा यहाँ बताऊं कि इसमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा सीट्स हैं, ठीक है, इस कॉलेज में। तो वो किसके लिए है, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और जो मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी अगर हम बात करें, तो वही ऑल इंडिया कोटा की तरह जो 10% EWS, OBS नॉन क्रीमी लेयर, 27% SC ST, PWD और ये सब, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं बच्चों, स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप का क्या है भाई, तो स्कॉलरशिप देखो, एक तो मेरिट स्कॉलरशिप ऑन जेई मेन रैंक, पहले दो बच्चे जो एडमिशन लेंगे जिनकी टॉप जेई मेन रैंक होगी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। फुली वेव ऑफ मिल सकते हैं, आपको कंडीशन पढ़नी होगी ब्रोशर में। लेकिन अगर वो टॉप दोनों लड़के हुए तो फिर एक तीसरी और सीट मिलेगी, एक और स्कॉलरशिप आएगी एक गर्ल के लिए। अगर दो में से कोई एक लड़की होती है तो फिर ये तीसरा कैंडिडेट नहीं आएगा, अगर दोनों लड़के हुए तो गर्ल्स को भी एक कैंडिडेट यहाँ चूज किया जाएगा, यानी कि टॉप थ्री हो जाएंगे फिर, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर SC ST कैंडिडेट, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है बच्चों, आपको ब्रोशर में पढ़नी पड़ेगी। और बच्चों एनुअल इनकम के बेस पे भी आपको फी वेव मिलेगा, फी वेव होगा। और ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन, किसी की फैमिली में कुछ हो जाए तो उसके इसमें कंसिडर कर सकता है कॉलेज। और फिर स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो अपने पोर्टल पे जो स्कीम देती है SC ST के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, उनके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, फीस भी बताऊंगा मैं कितनी है, अभी पहले ये आ गई स्लाइड, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की कट ऑफ पिछले साल की, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया कोटा है और ये चंडीगढ़ कोटा है। तो ऑल इंडिया कोटा बच्चों स्टार्टिंग रैंक थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 7840 और एंडिंग रैंक थी 3965, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। डिफेंस कैटेगरी में ये थी, और शेड्यूल कास्ट में ये है, ST में ये है, फिजिकल हैंडीकैप में ये, स्पोर्ट्स में ये, फ्रीडम फाइटर में ये, और EWS में ये। और ये खाली जो है, इसका मतलब वो सीट में कोई कैंडिडेट आया नहीं उस कैटेगरी से, ठीक है। तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ये 2020 का है, ऑफिशियल वेबसाइट से कट ऑफ लिया मैंने। प्लेसमेंट स्टैटिक्स बच्चों, प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट के बारे में देखो, कितना धांसू प्लेसमेंट है इनका। ये सारा है कि इतने बच्चे थे बैच में, इतने एलिजिबल थे, इतने को प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, 2015-16 का, ये है 2016-17 का, ठीक है। और भाई इसके बाद 2017-18। अब आप देखोगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ना कम है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बच्चे ना ज्यादातर हायर स्टडीज में जाते हैं बच्चों, तो इसलिए शायद ये कम है, ठीक है। अच्छा देखो, ये हाईएस्ट एवरेज पैकेज 2015 का 27-27-34-42, ठीक है। और ये मीडियम पैकेज है और लोवेस्ट पैकेज। स्टार क्यों लगा रखा है, क्योंकि अभी भी कैंपस ऑन 18-19 में, ये अभी जब ये बनाया गया था तब शायद ये चल ही रहा था, तो अभी तक ये। अच्छा, प्री प्लेसमेंट ऑफर, प्री प्लेसमेंट ऑफर रिवील्ड इन लास्ट 4 ईयर्स, ये देखो बच्चों, ये इनका डाटा है, ठीक है। बहुत अच्छा है, सुधार होता जा रहा है, देखो कहाँ से कहाँ 83 तक पहुंच चुके हैं। और इसमें 2021 का, 2019-20 का डाटा नहीं है। फीस स्ट्रक्चर बताऊं तो बच्चों, ये फीस स्ट्रक्चर पहले ही बता दूं, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, क्योंकि जो पिछला दे रखा है 2016-17 के आसपास वेबसाइट पे दे रखा है जो हमने चेक किया था, तो ये एवरेज एक बना रखा है, मतलब एक आइडिया लेके स्टूडेंट से। तो इसमें थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट हो सकता है। ये सेमेस्टर फीस है, हॉस्टल फीस बच्चों आपकी पूरे एक साल की 40,000 उसमें दे रखी है, हमें 50 लिखी है जैसे लेटेस्ट बताया किसी ने, आप इसको मान सकते हो। इसमें 20-30 हज़ार रुपये का आगे पीछे अंतर हो सकता है, ठीक है, ये एक आइडिया मिल गया आपको, ठीक। अच्छा, कैंपस, अगर कैंपस की बात करें बच्चों, तो कैंपस का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, और इसकी मैं लोकेशन बता देता हूँ। कॉलेज लोकेशन है सेक्टर 12 एट द नॉर्थ एंड ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। और बच्चों एयरपोर्ट से ही 18 किलोमीटर है, ठीक है, एयरपोर्ट से अगर आप बात करो, और रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर है, ठीक है। और अलुमनी की बात करें तो भाई हमारी रेस्पेक्टेड कल्पना चावला, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश का, पूरी दुनिया का, मतलब एक महान व्यक्तित्व है ये,
जो अभी हमारे बीच में नहीं है, तो लेकिन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए प्रेरणादायक है ये कल्पना चावला। वो यहां से पढ़ी हुई थी, ठीक है, उन्होंने यहां से बीटेक किया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर डिग्री करी थी, और फिर बाद में पीएचडी वगैरह आगे हायर अथॉरिटी से, और फिर नासा में जॉब की थी, ठीक है, इसलिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉट लिखा है, क्योंकि वो नासा के में जॉब करती थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे एलुमनी है बच्चों, विशाल कौल और विनोद सूद और विनोद, ठीक है, देखो वी 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 है, तीनों की कट एक जैसा कुछ राशि मैच कर रही है बच्चों। ये कौन से ओला के जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मतलब एलुमनी यहाँ बहुत जबरदस्त है बच्चों इस कॉलेज के। तो इस कॉलेज को स्पेशली इसलिए बनाया गया कि जैसे एनआरएफ रैंक देखिए 70 तो देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ कॉलेज है, नहीं, मोस्ट ब्रांडेड कॉलेज, ठीक है, लेजेंडरी कॉलेज। अगर आपको मौका मिले तो बच्चों छोड़ना मत, इस कॉलेज में जरूर जाना, एडमिशन लेना, माँ बाप का नाम रोशन करना और मेरा नाम भी उज्ज्वल करना। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी भी आपको अगर कुछ इसमें लगता है कि सर ने कुछ आप करेक्शन करना चाहते हो इस बात में, जो मेरा आइडिया था इस कॉलेज को लेके, तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये चैनल केवल और केवल स्टूडेंट्स के हित के लिए है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप में से कोई बच्चा इस कॉलेज का पढ़ रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर इस अपने कमेंट ओपनली शेयर करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।